अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उसामा असगर और आप देख रहे हैं उसामा टेक एंड ब्लॉग यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कुछ दो सेटिंग्स, इम्पोर्टेंट सेटिंग्स के बारे में। एक तो मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि दो दिन से ये जो क्रोम ब्राउज़र से वीडियो अपलोड नहीं हो रही, ये एक सिस्टर है, उन्होंने मुझसे कमेंट में पूछा है कि भाई दो दिन से हमारी वीडियो अपलोड नहीं हो रही, तो मैं आप लोगों को वो कमेंट भी दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए गाइस, ये कमेंट आप लोग खुद ही देख लें। ये कमेंट आप लोगों को शायद उल्टा नज़र आ रहा हो, तो मैं आप लोगों को बाद में तस्वीर दिखा दूंगा साइड पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं आप लोगों को पहले तो बताऊंगा कि ये कैसे आप कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कैसे करें आप, और कैसे अपने टैग्स वगैरह सब कुछ तरतीब से आप लगाते रहें ताकि आपकी वीडियो रैंक हो। तो उसके बाद दूसरी सेटिंग आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि अक्सर लोग होते हैं जिनका चैनल लोग सर्च करते हैं लेकिन उनका चैनल सर्च में नहीं आता, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा ज़रूर से। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो वीडियो को देखने से पहले जो मेरे चैनल पर नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, आज की वीडियो जिसने स्किप की उसको कुछ समझ नहीं आएगा, वीडियो को पूरा देखना है और लाइक करना और कमेंट देना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपनी वीडियो अपना चैनल कैसे सर्च में ला सकते हैं। पहले मैं वो बताऊंगा, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग वीडियो कैसे अपलोड करें क्रोम ब्राउज़र से। तो चलते हैं, ये स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ओपन करना अपना क्रोम ब्राउज़र। क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है, ये देखिए, ये शायद मैं बाय करूँ ये मोबाइल इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो चलते हैं बैक और इधर से चलते हैं यूट्यूब चैनल पे। यहाँ से यूट्यूब ऑन करते ही आप लोग जा चुके होंगे अपने चैनल पर, चैनल ऑन हो चुका हमारा। और यहाँ से आप सबको पता है, यहाँ से थ्री डॉट्स पे टच करेंगे इंशाल्लाह, और उसके बाद डेस्कटॉप साइड पे चल जाएंगे। डेस्कटॉप साइड ऑप्शंस आ चुकी हैं हमारे सामने। तो अभी ये ओपन होते ही मैं आप लोग को बताऊँगा कि आप लोगों ने नेक्स्ट क्या वर्क करना है। जैसे ये सामने आपके इस तरह ओपन हो जाए ये वाला टैब, तो आपने इसको ना थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेना है। तो इसको ना यहाँ से अपनी तस्वीर पर टैप करके यहाँ से आप लोगों ने YT स्टूडियो में चले जाना है, YouTube स्टूडियो पे। जैसे ही आप लोग यहाँ से YouTube स्टूडियो पे जाएंगे तो आप लोग कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो ये देखिए मेरी कल की वीडियो है। उसके बाद आप लोगों को जाना है फुल डाउन पे। डाउन पे जाते हैं आप लोगों को ये सेटिंग नज़र आएगी, आप लोगों को ये सेटिंग ओपन करनी होगी। ये सेटिंग ओपन करते ही आप लोगों को चैनल पे जाना होगा। चैनल पे जैसे ही आप लोग जाएंगे, ये देखिए गाइस, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, ये मैंने यहाँ पर अपने कीवर्ड्स लगा के रखे हुए हैं, ये कुछ, ये सारे देख सकते हैं आप। इसी तरह आप लोगों ने भी अपने चैनल पर अपने चैनल का जो नेम है उसको यहाँ पर नेम लिख के उल्टा सीधा सीधा उल्टा करके ना इसको लिख देना आप लोगों ने ना, तो ये वाली सेटिंग कमाल में हो जाएगी। और दो तीन मरतबा आपके घर में अगर कोई मोबाइल जाए तो उधर से फ़िल्टर लगा के अपना चैनल सर्च करें, इंशाल्लाह आपका चैनल सर्च में आने लग पड़ेगा। तो बढ़ते हैं अब हम अपनी दूसरी सेटिंग की तरफ। दूसरी सेटिंग की तरफ जाने के लिए हमें पहले जाना पड़ेगा, ये देखिए गाइस, इसको ना बैक कर लेते हैं, यहाँ से होम पे चले जाते हैं पहले, तो फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ से यूट्यूब ओपन करेंगे हम, रीलोड जी जी जी, गेम नहीं खेलनी मैंने, काम कर रहा हूँ, गेम नहीं खेलनी मैंने। वेट करिए गाइस दो मिनट, ये मसला आ रहा है, इसको मैं ज़रा हल कर लूँ। ये कनेक्ट हो चुका है, जल्दी जल्दी यार, जल्दी से करें, बहुत टाइम हो रहा है। तो अब ये ओपन कर लेके देख लेते हैं होता है, जी ओपन हो चुका है। तो यहाँ से फिर से हमें जाना पड़ेगा डेस्कटॉप साइट ऑप्शन। जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोग जैसे ही अपनी वीडियो अपलोड करते हैं वैसे ही यहाँ पर मैं टैप करूँगा,
ये देखिए यहाँ पर मेरी तस्वीर जो है ये, मैं इधर टैप करूँगा। यहाँ टैप करने से पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ, इधर ये आप लोग इधर प्लस करेंगे तो जैसे ही आप यहाँ पर ये देखिएगा इसको थोड़ा सा इधर करेंगे और ये जो प्लस का निशान है इधर इधर से ही होती है वीडियो अपलोड। यहाँ से वीडियो अपलोड की तरफ जाएंगे हम तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं आगे। ये देखिए ये कुछ टाइम ले रहा है यहाँ पर, ज़रा मेरे ख्याल में इंटरनेट की प्रॉब्लम। यहाँ पर आकर सब लोग कह रहे हैं कि इसको हम टैप करें तो हमारी वीडियो सेलेक्ट नहीं हो रही है, जैसा कि मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए ये सेलेक्ट नहीं हो रही, पहले इधर टैप करो तो सेलेक्ट हो जाती है। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये आप कैसे कर सकते हैं। तो पहले मैं इसका स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ एक थंबनेल के लिए। जी तो स्क्रीन शॉट मैंने इधर का ले लिया, तो अब मैं चलता हूँ आप लोगों को बताता हूँ कि आप ही अपनी ये वीडियो कैसे अपलोड करें। इधर से योर चैनल पे चल जाएंगे हम, तो यहाँ पर आने के बाद ये देखिए इसको इधर ही रोक देंगे हम, ठीक है। तो चलेंगे हम अपनी YouTube की तरफ। ये देखिए जैसे ही मैं इधर अपनी YouTube ओपन करूँगा तो मेरे सामने ये इंटरफेस है। तो यहाँ से जैसे आमतौर पर यहाँ से YouTube से वीडियो अपलोड करते हैं, ये मैं शॉर्ट सी वीडियो मेरी एक ये मैं ले लेता हूँ तो आप लोगों को मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो भी टाइटल वगैरह देना है आप लोगों ने, हेलो गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टैग नहीं लग सकता, यहाँ पर थंबनेल नहीं लगा सकते आप, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से अपलोड करेंगे तो ये छोटी सी वीडियो जल्दी अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले, शलगम ले ले, पालक ले ले, लहसुन ले ले, मेथी ले ले, गोभी ले ले, प्याज ले ले, चुकंदर ले ले, मूंगर ले ले, मटर ले ले, साग ले 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 ले। तो ये जैसे ही अपलोड होती है मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अपलोड हो चुकी है, रेडी टू वॉच हो चुकी है ये। तो इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से हमें जाना होगा फिर से क्रोम ब्राउज़र पे। क्रोम ब्राउज़र पे आ गए हम तो यहाँ से वीडियोस को जैसे ही हम खोलेंगे ना गाइस, तो यहाँ पर वीडियोस आने के बाद इसको दोबारा से मैं खोलता हूँ ताकि दोबारा से हो ये सारा कुछ ना सिस्टम वो रिफ्रेश हो जाए, वीडियो आ जाए सामने। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ओपन हो गया। इधर से वाइट स्टूडियो पे चलेंगे, और यार क्या खुल गया, वाइट स्टूडियो खुले, यहाँ से वाइट स्टूडियो पे चलेंगे, ये वाइट स्टूडियो आ गया। अभी शायद वीडियो वाली ना आई हो यहाँ पर, ये वीडियो आ गई है। वो यहाँ से वीडियोस पे जाएंगे, यहाँ से आप इसको सिलेक्ट करके इसको एडिट पे ला के यहाँ पर आप जो करना चाहते हैं, यहाँ पर एडिटिंग, यहाँ पर टैग लगाना चाहते हैं जस्ट नाउ फॉर गाइस, डिस्क्रिप्शन बदल सकते हैं एंड स्क्रीन कार्ड्स वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। तो ये थी मेरी एक आज की नई सेटिंग,
जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मैंने पूरी कर दी है। तो आप मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।